सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल वॉल के एक और नए एपिसोड में। और गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो आर्क मोन की। ओके, और आर्क मोन के पिछले एपिसोड में गाइस आपने देखा होगा कि हमने जो है भाई दो जो हमारे पोकेमॉन्स थे उनको कर लिया था समॉन। एक तो था भाई हमारा छोटू सा मोटू सा चिमचर, एंड एक था भाई चारमेंडर जो कि इवॉल्व होके बन चुका था। चारमेंडर का क्या होता है भाई, चार्मलियन या फिर ऐसे कुछ बोलते हैं, वो इवॉल्व होके बन चुका था, ठीक है। लेकिन गाइज आप बोलोगे भाई वो इवॉल्व हुआ था तो यहाँ पे ये छोटू मोटू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो एक्चुअली में सीन ये हो गया कि जैसे अपन सर्वर में घुसे तो एक ट्राइक आ गया और ट्राइक ने हमारे छोटू से मोटे से जो इसका इवॉल्व रूप होता है ना उसको पेलमपाल दे दिया। बिकॉज वो काफ़ी लो लेवल का था, आई थिंक 37 या 40 लेवल का ये था, तो उसके लिए भाई वो डायरेक्टली पहली फुर्सत में वहाँ पे मर गया। उसके बाद पिछले एपिसोड में जो है हमने टेम कर लिए थे भाई रैपिडिश, दो रैपिडिश टेम कर लिए थे। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो भी यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। आप बोलोगे भाई उसके साथ क्या हुआ? तो एक्चुअली में मेरे को भी पता नहीं था क्या हुआ उनके साथ, तो मैंने जस्ट चेक करने के लिए लॉग चेक किया, एंड उसके बाद मेरे को पता चला कि भाई यहां पे बुजिल करके कोई तो पोकेमॉन है, में भी पता नहीं क्या है, ठीक है। तो इन पोकेमॉन ने दोनों रैपिडिश जो अपने थे ना भाई उनकी भाई डायरेक्टली पेटी बना दी है, ठीक है। अभी मेरे को ये पता नहीं, रुक जाओ, ये कैसे दिखता है पोकेमॉन? पोकेमॉन ही है क्या ये? कोई बीयू कौन सा पोकेमॉन है भाई? ये बीयू आई, हाँ भाई ये पोकेमॉन ही है, पता नहीं कौन से टाइप का पोकेमॉन है। इन दोनों ने भाई अपने शायद यहाँ पे बेस में घुस के उनको पेलमपाल दे दिया और भाई हमारे दोनों रैपिडिश की भाई यहाँ पे पेटी बन गई। तो पिछली बार गाइस अपन डेड आइलैंड पे जाके जो थोड़े से पॉइंट्स लेके आ गए थे भाई, थोड़े से मतलब 150 या 200 पॉइंट्स लेके आ गए थे, और उससे हमको बनाना था भाई म्यूटोको। लेकिन गाइस जैसे अपन आज सर्वर में घुसा तो मेरे को पता चला कि भाई हैरी पॉटर सर जी ने भाई हमारे बना दी है पेटी। एंड उसके बाद मैंने वो वीडियो देखी थी उसके, तो मेरे को पता था कि भाई जो कुछ वहाँ पे टेमिंग बिमिंग कर रहा था तो उसके कारण भाई गलती से उसके फेदर लाइट ने एक्चुअली में मेरे को मार दिया था। तो भाई उसके कारण हमारे पास जो पॉइंट्स थे 150 या 200 जो पोकी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे गाइस गुल हो चुके, और हमारे पास भाई बाबा जी का ठुल्लू बच चुका है। अभी हमको वापस से डेड आइलैंड पे जाना पड़ेगा, एंड वहाँ से शायद हम पॉइंट्स लेके आएंगे, लेकिन वो बाद में लेके आएंगे, ठीक है। तो चले गाइस, आज की इस वीडियो में अपन करने वाले ये एकदम खतरनाक वाला पोकेमॉन टेम। आप बोलेंगे भाई खतरनाक वाला तो हमेशा बोलता है, लेकिन इस बार क्या खतरनाक वाला करने वाला है? तो एक्चुअली में मैंने कमेंट सेक्शन में पिछली बार आपसे पूछा था कि मैं अगले वीडियो में कौन सा पोकेमॉन टेम करूं, तो उसमें एक बंदे ने, एक नहीं काफी ज्यादा बंदे ने बोला भाई डार्क राय टेम करो। तो नाम सुन के तो भाई खतरनाक लग रहा है ना भाई, डार्क राय भाई खतरनाक नाम लग रहा है, तो इसलिए भाई अपन डार्क राय को टेम करने वाले अभी। ओके लेट्स गो, पहले देख लो भाई मैप पे है क्या डार्क राय। ओके ओके, डार्क राय भी है, ये कौन सा है, सिंड्रिया क्या होता है अबे? एक एक हजार का भाई, ये सिंडेरिया क्या होता है, सिंड्रेला का भाई, एक एक हजार के सारे के सारे, ये क्या है भाई? हेलो, कोई कोई तो अलग चीजें रहने दो, वो बाद में देख लेंगे। डार्क राय, ओ भाई 450 लेवल का भाई साहब, 4623 पे है एक 450 लेवल का भाई डार्क राय। बीपी लिखा हुआ है भाई आगे, डार्क राय बीपी। ओके ठीक है, चलो इसकी लोकेशन ले लेते और वहाँ पे जाके भाई उसको टेम कर लेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड में मैंने आपसे भाई हमारे चारिज़ार्ड सर जी के लिए अच्छे अच्छे नाम पूछे थे, और काफ़ी बंदों ने काफ़ी खतरनाक नाम दिए, तो वो नामकरण पहले दे देते। ओके, तो यहाँ पे जो है चारिज़ार्ड के लिए जो अच्छा नाम आया है वो है भाई फायर स्ट्रोम। और ये फायर स्ट्रोम एक्चुअली में नाम आया था रैपिडिश के लिए, लेकिन रैपिडिश की पेटी बन गई, तो उसके लिए उसका जो नाम था वो अपन दे रहे भाई अपने चारिज़ार्ड को। एंड ये नाम हमको यहाँ पे सजेस्ट किया प्रसाद माने ने, तो प्रसाद ब्रदर थैंक यू इतना अच्छा नाम बताने के लिए, एंड शाउट आउट टू यू ब्रो फायर स्ट्रोम। ओके, यहाँ पे इसको नाम दे दिया हमने फायर स्ट्रोम। तो चले गाइस हम निकल लेते फायर स्ट्रोम पे बैठ के भाई हमारा डार्क राय को टेम करने के लिए। और एक और बात गाइस, जो भी नए बंदे होंगे जिन्होंने अभी तक भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, फटाफट भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे जो लाल बटन है भाई सब्सक्राइब का उसको दबा के भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके एंड गाइस आपको बताया होगा कि कुछ टाइम से गेमिंग की यानी कि तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही है, उसके कारण 3 या 4 दिन तक वो अपने चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं डालेगी, तो उसके चैनल पर भाई अपनी वीडियो आने वाली है। तो भाई आप यहाँ पे डेली 5 वीडियो देखते थे भाई, और एक्स्ट्रा 3 वीडियो आपको मिलेगी देखने के लिए गेमिंग विद यानी के चैनल पे मेरी। तो भाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद यानी के चैनल का, फटाफट जाइए और सब्सक्राइब करके आ जाइए उनके चैनल को भी। तो यहाँ पे भाई मेरे को लग रहा है मैं गलत डायनो पे बैठ के जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे मेरी निम्बस होती ना मैं अभी तक पहुँच गया होता भाई वहाँ पे, भाई अगर मेरी निम्बस होती ना भाई मैं वहाँ पे पहुँच गया होता भाई। लेकिन इसको चलाने में मज़े भाई कतई जहर आते भाई, बस देखते रहो, बस चलाते चलाते ऐसे भाई के दबा के ऐसे होल्ड करके देखते रहो भाई, लगता है भाई हाँ भाई पोकेमॉन वाला मॉड खेल रहे, पोकेमॉन के ऊपर बैठ के जा रहे हैं भाई।
खतरनाक है भाई, खतरनाक ही चीज़ है भाई, खतरनाक ही चीज़ है। ओके तो यहाँ पे क्या है, 46 एंड 23। ओके ऑल राइट, 46 एंड 23 बोले तो। ओके मैं सही जा रहा हूँ क्या, मैं गलत जा रहा हूँ, मैं 70 पे हूँ ना। हाँ ओके ओके सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। चलो गाइस हमने वो एरिया कभी भी देखा नहीं, उस एरिया में जाना है हमको, शायद ये जंगल के आगे वो मिल जाएगा अपन को डार्क राय। कितने लेवल का है, 450 लेवल का था मैं भी। ओके चलो मैं स्पाई ग्लास बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा लैग हो रहा है भाई, बंद हो जा मेरे भाई। ओके लेट्स गो भाई, बस 4-5 साल लगेंगे हमको पहुँचने के लिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उठ जा मेरे भाई, भाई पिछवाड़े से पाद छोड़ दे भाई, कच करके भाई बूस्टर मिल जाएगा, आग तो पहले से लगी हुई है। 2 hours later ओके गाइज तो ऑलमोस्ट अपन उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, 46 ओके 46 23 एग्जैक्ट यही पे कहीं पे होना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा था कि यहाँ पे पूरा भाई प्लेन एरिया होगा तो मेरे को देखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी भाई। अब 21 है भाई साहब, खतरनाक। लेकिन यहाँ पे जो है भाई कुछ ज़्यादा ही भाई जंगल वाला एरिया है, तो अभी डार्क रहा है काफ़ी धुंडू में। ओके यहाँ पे है क्या, ओ ये रहा डार्क रहा है, ओ भाई इतनी इजीली मिल गया यहाँ पे, कोई तो फायर पोकेमोन है भाई। ओ भाई रैप्टर से पंखे ले रहा है भाई, कौन है, चार्मेंडर था, मैं भी चार्मेंडर था भाई। रैप्टर्स तुमने हमारे भाई को मारा, ये लो भाई पेटी। ए 21 रुक जा डार्क राय को कोई तो मार रहा था यहाँ पे, मैंने अभी जस्ट चेकआउट करा तो ये शेरूलाल डार्क राय को मार रहा था क्या, नहीं ये तो किसी और पोकेमोन को मार रहा था। ओके रुक जाओ सारा, इसको मैं मारूंगा, पॉइंट्स भी मिल जाएंगे रुको, ये भाई बहुत ज़्यादा ही टॉर्पोर देता है बे। 21 निकल बे, 21 निकल जा, 21 निकल जा, मच्छर मच्छरों जाओ भाई, मेरे को बिल्कुल भी भाई रिस्क नहीं चाहिए, डार्क राय भाई नहीं जाना चाहिए अपने हाथ से। ये शेर टाइप कौन सा पोकेमोन है भाई, पेरोर, पेरोर कौन है भाई तू, निकल पेरोर भाई, घर पे होगा अपने। ओ इसको पहले से टॉर्पर चढ़ा हुआ है, अबे उड़ना, उड़ क्यों नहीं रहा था ये, हाँ ठीक है रुक जा ये पे रुक जा। हाँ भाई पता है कौन भाई ये, अच्छा ये उंगली कर रहा है, ठीक है रुक जाओ। डार्क राय कहाँ पे चला गया, ये रहा भाई 3K टॉर्पर ही डार्क राय का, मैंने सोचा नहीं था इतना कम होगा। ओके डार्क राय, वो डार्क राय कोई चुटकू मार रहा है, अच्छा ये टॉर्पोर दे रहा था उसको, राइट्स करके कोई तो है भाई। डार्क राय तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, इतना स्लो क्यों चल रहे हो, नॉकआउट भी हो गया क्या डार्क राय इतने। ओ भाई ए गैस बग, अबे तेरी भेस क्या, ओ रैप्टर निकल भाई, भाई बचा भाई, भाई लग 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 लग, नाइस भाई कहाँ पे भाई, मेरा हीरो कहाँ पे, अबे भाई अबे इधर आओ, अबे बाद में जा इधर आ रहे, ये इधर आ रहे बाबा चार भाई, क्या करता है रे ऐसे नशे ना करा कर भाई, किडनी में हार्ट अटैक दे देगा। डार्क राय को नॉक करता और यहाँ पे मर जाता ना भाई, मेरी लग जाती, निकल निकलो साड़ो भाई, क्या चीटियाँ क्यों है इतनी यहाँ पे, इतनी चीटियाँ क्यों है, रुको सारी चीटियों को जला के रख दूंगा मैं, सारी चीटियों को जला के रख दूंगा, कोई है क्या और, कोई दिखाई नहीं दे रही और। ओके ये राम, ए ओ शिट, नहीं 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 नहीं, अबे तेरी माँ का साकिना का बे भाई, इसके हाथ ये रुक, ये डार्क राय ये बेस साड़े, मैं भाई चार्मेंडर से उसको नहीं मार सकता। ओके रुक, ओके ओके चार्मेंडर से मारने के लिए जाऊंगा ना रैप्टर को, दिक्कत हो जाएगी साड़े। ओ यहाँ पे एक और चार्मेंडर है ना, सॉरी चारिज़ार्ड, सॉरी चार्मेंडर बोल दिया मैंने, चारिज़ार्ड है और काफ़ी कम लेवल का है, रहने दो, काफ़ी कम लेवल का है भाई, फायर स्ट्रोम अपना भाई उससे ज़्यादा लेवल का है। पुट पुट इन इन्वेंटरी, क्या चाहिए इसको भाई, प्राइमिट मेरे पास है क्या, ओ भाई 700 प्राइमिट पड़ा हो भाई, ओके ठीक है ये रात 3 निकाल लेता हूँ, एंड हियर वी गो भाई 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 उतरने देगा मेरे को, सार 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 उतरने दो, सार 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 मेरे को उतरने दो। ओके ठीक है, डन डना डन डन भाई, दिखने में तो काफ़ी कूल लग रहा है रे, अय बेवड़ा मार के बैठा है क्या भाई, कल रात की उतरी नहीं लग रहा है मेरे को इसकी, हो जा भाई टेमिंग इफेक्टिवनेस, टेमिंग 0 ओके ठीक है, फूड कितना, अरे बाप रे कुछ ज़्यादा ही तेजी से गाइस इसका फूड कम हो रहा है भाई। रुक जाओ एक काम कर लेता हूँ, उनको ये ले भाई, ये ब्लैकबेरीज खा, मैं आगे जाके देख के आता हूँ कि यहाँ पे कोई मेरे को पोकेमोन दिखता है कि नहीं, क्योंकि मैंने इसी एरिया में आगे बर्फ की तरफ है ना मियो देखा था, ठीक है जब मैं लाइव स्ट्रीम करता था ना, मियो देखा नहीं था, मियो टेम करा था मैंने, ठीक है ये जो आगे पहाड़ दिख रहे हैं स्ट्रेट आपको, उसी एरिया में मैंने मियो टेम करा था, अभी देखता हूँ मैं अगर वहाँ पे मियो मिल गया तो अच्छी बात है। रुक जाओ ये लोकेशन क्या थी, अच्छा लोकेशन तो मेरे इस पर लिखी हुई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स गो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कौन से नए भाई अलग अलग तरह के पोकेमोन मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं भाई। निकल पहली फुर्सत में, ओके काफ़ी बढ़िया,
और कोई भाई खतरनाक वाला नया पोकेमोन यहाँ पे है क्या? जंगल में तो कोई जो दिखाई भी नहीं देखा भाई, इतने घने जंगल में। यहाँ पे लिटविक है क्या? लिटविक कहाँ हो जा रहा है मेरे को? अच्छा लिटविक नहीं, ये क्वीन, वो निडो किंग है, सॉरी क्वीन नहीं, निडो किंग है। ओके ऑल राइट। ओ भाई ये देख रहे हो, क्लिफेबल। आई क्लिफेबल शायद हीलिंग टाइप पोकीमोन है ना, मे बी मे बी, क्योंकि जब हम पोकीमोन फाइट कर रहे थे ना, तब कोई तो लेके आया था और बोल रहा था भाई ये हीलिंग टाइम पोकीमोन है, लेकिन मर गई पहली फुर्सत में बेचारी क्लिफेबल, कुछ कर ही नहीं पाई हिपनों के सामने। ये ले भाई, मर जा मेरी बच्ची, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। ओके भाई इससे अच्छा तो निम्बस लेके आता, माँ कसम सच में यार। ओ भाई 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 भाई, मैं अभी तक कभी भी इसको टेम नहीं किया भाई, कभी भी टेम नहीं किया भाई, हमेशा कोई ना कोई आके उंगली कर देता है भाई। मेरा फेवरेट रायचू गाइस, मैं रायचू को अभी तक भाई कभी भी टेम नहीं किया भाई, मेरा बहुत ज़्यादा मन होता है, मैं हमेशा इसको नॉक करके छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसा सीन हो जाता है कि कोई ना कोई डायनो आके ना फेलम पाल दे देता है उसको। इधर आना रायचू भाई, दो दो रायचू, दो दो रायचू है यहाँ पे। रायचू कम ऑन, रायचू आ जा, रायचू आ जा, आ जा रायचू, दो दो रायचू भाई मेरे, दो दो रायचू मेरे, दो दो रायचू। रुको बाप रे, कहाँ पे जाओ, एक को टॉर्पर तो चढ़ने वाला है, अबे रिलोड मार। ओके वो रायचू भागेगा, मे भी आई थिंक वो रायचू भागेगा, भागना तो चाहिए था भाई, भाग क्यों नहीं रहा तू भाई, मारने की इतनी चुल मची हुई है भाई, अपने टॉर्पर तो देख लो, अभी तो भागना चाहिए था इसको। रायचू भाई कितने क्यूट लग रहे यार गोलू मोलू से भाई, 32 के टॉर्पर एक का। ओके ये भागने लग गया, ये कितने लेवल का है, भाग रहा है ये 18 लेवल का। ओके कुछ, ओ व्हाट द, यू किल्ड रायचू, कैसे कैसे भाई, रायचू को मारा कैसे मैंने? अच्छा मेरी गन कुछ ज्यादा ही डैमेज दे रही है क्या? रुको मेरी गन जो है ना कुछ ज्यादा ही डैमेज दे रही है, आई थिंक ऐसा मेरे को लग रहा है, डैमेज ज्यादा ही दे रही है, मेरे को शॉकिंग डार्ट लेके आने चाहिए थे। रुक जाओ मैं देख लेता हूँ इसके ऊपर। अरे नहीं 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 नहीं, ये डार्ट काम नहीं करेंगे, मैं शॉकिंग डार्ट लेके ना गाइस, गाइस अपन जो है ना अगली जो वीडियो होगी ना, जो गेमिंग विद यानी के चैनल पे आएगी, उसमें भाई रायचू को तो कंफर्म टेम करेंगे भाई, रायचू प्लस कोई अगर, ओ भाई इसको भी टेम करा था हमने ऑनिक्स को, ये रायचू प्लस ऑनिक्स को टेम करने की अपन कोशिश करेंगे गेमिंग विद यानी के चैनल पे जो वीडियो आएगी उसमें। यहाँ पे देख रहे हो खतरनाक ऑनिक्स भी मिल गया भाई अपन को, काफी बढ़िया। और इसमें अच्छी बात क्या है पता है क्या, ये पोकेमोन इवॉल्व होते हैं यार, इवॉल्व हो जाते हैं। ऑनिक्स को तो मैंने इवॉल्व होते हुए नहीं देखा, लेकिन कल आपने देखा होगा वीडियो में भाई अपना चिमचार है चारमेंडर में से कोई तो एक भाई इवॉल्व हुआ था खतरनाक वाला। ओके यहाँ पे मैंने देखे थे मियो को, ये फाइटर टाइप कोई पोकेमोन है यहाँ पे। ओके और क्या है, और क्या है यहाँ पे, यहाँ पे वुल्फ्स बिल्स भाई झगड़ा झगड़ी कर रहे हैं। ओके रायचू यहाँ पे भी नीचे। ओके डन डना डन डन, मर जाओ भाई। ये क्या था मेरे को, कोई तो बफ मिला क्या, मेहमत का बफ मिला क्या, कुछ तो मिला मेरे को भाई, मरो भाई। यहाँ पे मेरे को कोई खास पोकेमोन नहीं दिखा ऑनिक्स छोड़ के, ठीक है ऑनिक्स अपन टेम कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ऑनिक्स को टेम करने की भी अपन सोच रहे हैं एक्चुअली में, खत्म भाई, पेटी बना दी भाई, पेटी बना दी। मैंने उस पहाड़ पे ऊपर देखे थे, वहाँ पे अपन चेकआउट करने जाएंगे अगली बार, ठीक है निम्बस लेके आएंगे और चेकआउट करने जाएंगे कि वहाँ पे मियो और म्यूटू है कि नहीं। मैंने इस पहाड़ पे अगर यहाँ नहीं मिला ना, तो डेट आइलैंड वाला जो पहाड़ है ना वो वाला देख रहे हो ये सामने का 30 एंड 80 वाला, वहाँ पे कन्फर्म मिल जाएगा अपन को। ओके चलो कोई ना, अभी अपन को वापस जाना है, मैंने सोचा था यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन कोई ना चलो देख लेते हैं, कन्फर्म अपन को भाई मियो या म्यूटू वहाँ पे उस पहाड़ पे मिल जाएगा, बस सीन ये होगा कि उनको टॉर्पर देर में फट जाएगी अपन की और कुछ नहीं। लेट्स गो, मैं एक काम कर लेता हूँ जेलीफिश को ना, जाते जाते जेलीफिश को भी मार दूंगा, उसे भाई शॉकिंग डार्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, बस अभी वापस से वहाँ पे पहुँचने में 4 साल लग जाएंगे यार, कोई ना लेट्स गो, पहुँच जाएंगे पहुँच जाएंगे। 6.5 hours later. ओ भाई यहाँ पे एक एक्सप्लोरर नोट है। ओके रुक जाओ उठा लेते भाई, ये पहले दिखी नहीं यार, मैं आया था तब। ओके लैगम लैग, ओ भाई साहब खतरनाक भाई, इससे मेरे अच्छा, ओ भाई लेवल अप भाई कच करके बढ़ गई भाई। ओके अभी तक एक भी लेवल अप आई नहीं, लेकिन ओके रुक जाओ वो छोड़ो, लोकेशन देखने दो मेरे को।
46 23 ना, 46 23 बोले तो 46 मतलब अच्छा, और आगे जाना है मेरे को थोड़ा सा, ओके जिस शेप पे कहीं भी होगा वो, शायद टेम भी हो चुका होगा अगर उसका टॉर्पर नहीं उतरा होगा तो। डार्क राय, डार्क राय, डार्क राय कहाँ पे, 46 23 यहाँ पे, वो रहा भाई अपना डार्क राय भाई, रेडी भाई, टेम भाई 203 लेवल का भाई डार्क राय अपना हो चुका है। अभी इसको अपन क्या करेंगे, पहली फुर्सत में करेंगे भाई यहाँ पे। अच्छा यू डोंट हैव एनी सोल ट्रैप्स, अरे मैं भूल गया यार, शिट यार मैंने सोल ट्रैप ही नहीं लिए। ओके रुक जाओ, मेरे को टेलीपोर्ट मारना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो मैं मरने के बाद जो मेरी पेटी गायब हुई ना उसमें मेरे को वो मिला नहीं भाई। अरे भाई हेलो हेलो, निकल निकल पहली फुर्सत। अच्छा 116 डैमेज दे रहा है भाई डार्क राय, भाई भाई मेरा नाक मत कटाना भाई, नाक मत कटाना भाई, इतना ज़्यादा डैमेज मत बोल भाई तेरा, कुछ ज़्यादा ही मेरे को लगा था, मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच के तेरे को टेम किया है। ओके डंडना डंडन, रुक जाओ मेरे को पहले सोल लेने दो, सोल लेने दो रुको, मैंने सोल यहाँ पे रखे थे और हमने इसमें हीलिंग वाला भी एक मॉड डाल दिया है जिसे अपने जो डायनोज है ना वो कस करके अपन उनको कुछ भी, ये देखो लाइक ये वाला डाला है, इनमें से पता नहीं कौन सा वाला खिलाने से वो हो जाएंगे। ठीक है मैं दोनों उठा लेता हूँ एंड सोल, रुक जाओ सोल बॉल थोड़ी सी उठा लेता हूँ, 10 या 20 उठा लेता हूँ, ये अपना बैकअप रहता है अगर कुछ चला जाए तो यहाँ से अपन उठा सकते हैं ये। ओके अरे मेरे भाई ची डार्क राय, ये मेल है या फीमेल है भाई, ये मेल है भाई डार्क राय, ओ भाई क्या ही था भाई। अच्छा इस ओवर वेट है, इसकी स्पीड ही इतनी कम है। हेलो हेलो माय बीरो, तू ओवर वेट है क्या, तेरी स्पीड ही इतनी कम है, अभी ये ले खा ले भाई। हेलो अच्छा इसको रिवाइवल स्टोन चाहिए, कौन सा ये वाला, डार्क राय रिक्वायर सुपीरियर रिवाइवल स्टोन। ओके रुक जाओ, हीलिंग कोई आया है क्या, हीलिंग तो नहीं है, रिवाइवल स्टोन, अच्छा यहाँ पे अलग अलग रिवाइवल स्टोन है। ओके सुपीरियर, रुक जाओ मैं ये मॉड क्यों डाला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ये मॉड क्यों डाला मैं बता देता हूँ, बिकॉज क्या होता है पता है क्या, हमारे जो ये पोकेमॉन्स है ना इनकी हेल्थ हम कर लेते भाई, देख रहे हो अभी मैंने कितनी इसकी हेल्थ बढ़ाई। ओके उसके बाद जो है ना ये अपनी खुद की हीलिंग नहीं कर सकते उतने तेजी से, इनको फुल हेल्थ होने में मतलब फुल हेल्थ होने में अराउंड 1 या 2 दिन लगते हैं रियल टाइम वाले गाइज, ठीक है इसलिए मैंने ये मॉड डाला है। रुको ये सारे जो हीलिंग जो पोशन है ना यहाँ पे, ये देख रहे हो ये सारे बना के मैं इसमें रख देता हूँ, और रुक जाओ क्या रिवाइवल है ना, हाँ ये वाले रिवाइवल जो भी है ना ये सारे बना के मैं इसमें रख देता हूँ। ओके लेट्स गो, अच्छा इनका रिवाइवल स्टेशन भी कुछ है, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ रुको। ओके गाइस तो यहाँ पे जो है भाई अपन ने बना लिए जो स्टेशन थे वो, ओके इसमें भाई इनके अपन बड़े आराम से हेल्थ फुल कर सकते हैं, रुक जाओ देख लूँ मैं। डार्क राय रिक्वायर सुपीरियर रिवाइवल, अभी ये कैसे पता चलेगा। ओके रिवाइवल, ओके आइटम इंक्लूड, ओके सुपीरियर रिवाइवल चाहिए मेरे को, अच्छा रुक जाओ मेरे को इसमें से लेना पड़ेगा रुको, सुपीरियर सू, ओके ये वाले, ओके ठीक है मैं मतलब गन से ये कर सकता हूँ इनको हील कर सकता हूँ क्या, रुक जाओ डार्क राय, अच्छा ये हीलिंग पोशन मैंने समझ के डाला है भाई, इसमें हेल्थ फुल हो रही है क्या भाई तेरी, नहीं हो रही है भाई, रुक जा खा ले भाई। कैन आई डू डायनो रिवाइवल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा डायनो रिवाइवल का मॉड डाला है हमने भाई, मेरे को लगा भाई मैंने हैरी से पूछा भाई कौन सा मॉड डालूँ जिससे हील हो सके भाई, इसने मेरे को ये बता दिया, इसे तो हमारे मरे हुए डायनो रिवाइव हो जाएंगे भाई। अरे भाई साहब क्या ही बोले भाई, क्या ही था भाई भाई कुछ गलत ही मॉड डाल दिया, अच्छी बात है वैसे मरे हुए डायनो रिवाइव हो सकते हैं लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा यार, एक बार मरे तो उसके बाद वापस टेम करो उसमें भाई जो भाई दुख होता है भाई यार मर गया वो अलग ही होता है भाई, वो अलग ही होता है, कोई ना चलो रुक जाओ अपन इसको चला के देख लेते भाई, ये गन्स बिन्स का मॉड मेरे को हटाना पड़ेगा, लेट्स गो चलो वो के तो अभी डार्क रहा है, नहीं तू मजाक कर रहा है मेरे साथ, अच्छा भाई इतनी ज़्यादा स्पीड किसकी होती है बे, ये भाई तू मूवमेंट स्पीड में ले ले भाई पॉइंट्स, इतनी ज़्यादा स्पीड मजाक कर रहा है भाई, इतनी ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, डैमेज कितना है, अरे बाप रे ये भाई इतना नहीं डैमेज देना डार्क राय, डार्क राय इतना डैमेज, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक कुछ नहीं है क्या भाई, मार पहले इसको मार वरना ये डार्क राय को मार देगा, मार दे। अच्छा डायनो रिवाइवल कैसे काम करता है वर्क चेक कर लूँ क्या, डार्क राय को मार के एक बार, क्या डार्क राय को मार के एक बार चेक कर लूँ मैं, नहीं रहने दो, पता चला मेरा डार्क राय वापस ही नहीं आ पाया, रुकना भाई रुक जा भाई मर जा भाई, हर बार इसको भाई ओ शिट लग गए बिना बात के लग गए, समझ गया ना, मर मर भाई पानी में ही नहीं जा सकता क्या डार्क राय, डार्क राय पानी में नहीं जा सकता, ओके ठीक है गॉट इट माई फ्रेंड, आपको पहले डार्क राय को दिखा दूँ, दिखने में तो कूल है यार, अटैक कौन सा है,
ये एक ही अटैक है इसका, देख रहे हो, ये एक ही अटैक है बस इसका, ओके। एंड लेफ्ट क्लिक पे कुछ नहीं है, सी पे, एक्स पे, कंट्रोल सी, कुछ नहीं है, बस एक ही अटैक है। ऐसे आगे जाता है ले पट्ट से हेडशॉट, आगे जाता है ले पट्ट से हेडशॉट, बस भाई यही कर सकता है ये भाई। मतलब भाई ये पोकेमॉन पोकेमॉन मोड में कितना खतरनाक होगा यार लुक वाइज, ऐसे मेरे को लग रहा है, ठीक है, लुक वाइज तो काफी खतरनाक होगा ये पोकेमॉन यार, पोकेमॉन वाले में क्या कूल लग रहा है, देख रहे हो भाई। लेकिन भाई इस मोड में तो भाई कूल पोकेमॉन की भाई वाट लगा के रख दिया भाई, कूल को फुल बढ़ा दिया है भाई इस मोड में। ऊपर से भाई इतनी ज़्यादा स्पीड है ना इसके पास भाई साहब, लगता है भाई कि 400 साल लगेंगे पहुँचने के लिए कहीं पे। ये ले भाई अभी तो बढ़ जा, 900 हो चुका है अभी मैंने 20। ओ भाई भाई बाघ, अबे बाघ डार्क रहा है भाई, तेरे बस की नहीं है बाघ भाई, बाघ वो चुटकू पोकेमॉन भी तेरे को मार देगा बे, निकल भाई निकल, वो देख रहे हो, चल बे निकल भाई, मैं इसको मार करूंगा लेकिन डार्क रहे, ओके भाई बदला लेगा वो भाई, खतरनाक 4 क्रेडिट मिल गए अपन को, खतरनाक, ये एक्सलेंट वर्क, काफ़ी बढ़िया, हार्वेस्ट कर इसको, नाइस एक्सलेंट वर्क। गाइस जैसे सोचा था ना मैंने वैसा तो ये डार्क राय नहीं निकला, इसकी ना पावर अच्छी निकली ना इसके मूव्स अच्छे निकले, लेकिन लुक वाइज भाई एक नंबर है भाई, लुक वाइज कुछ भी बोलो भाई, लुक वाइज तो खतरनाक लग रहा है भाई इसका लुक तो भाई, क्या ही बोले, रुक जाओ जमीन पे बिठा के आपको दिखा देता हूँ मैं इसका लुक, ये देखो लुक वाइज तो मतलब मेरे को लग रहा है कि भाई जैसे पोकेमॉन मॉड में थे ना वैसे का वैसा उठा के डाल दिया है उन्होंने। अगर रुक जाओ थोड़ा सा जमीन पे, ऐसा आ जा, हाँ नाइस, ओके ये देखो भाई, देख रहे हो भाई लुक वाइज तो खतरनाक है भाई, एक ही आग दिखती है उसका, हाँ भाई एक आग दिख रही है सिर्फ, क्या ही कूल लग रहा है भाई, क्या ही कूल लग रहा है, क्या ही खतरनाक लग रहा है, ऊपर से हवा में उड़ रहा है भाई, नाइस अच्छी बात है। चलो गाइस एक काम कर लेते हैं, ये जो मेल डार्क राय है ना इसके लिए अच्छे अच्छे नाम नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट जरूर कीजिएगा, और गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद यानी के चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे भाई इसके आगे का एपिसोड आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें शायद हम ऑनिक्स और रायचू को टेम करने वाले। तो गाइस फटाफट भाई जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना वीडियो को, हम 50,000 सब्सक्राइब के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है भाई, तो भाई कंप्लीट कर दो यार अपना गोल। तो आपसे मिलते हैं गाइस आर्क मॉन के अगले एपिसोड में, और आज का एपिसोड कैसे लगा मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और नीचे कमेंट सेक्शन में अगले एपिसोड में मैं कौन सा पोकेमॉन टेम करूँ, ठीक है, वो भी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं गाइस आर्क मॉन के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking